अपनी झूठी बातों से लोगों को खूब ठगते हो, ये बताओ तुम सच कब कहते हो। ये लाइन नेताओं के ऊपर एकदम सटीक बैठता है, खास करके बिहार की राजनीति में। नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और बिहार के लोगों को उस नेता की ज़रूरत है जो झूठे वादे कम और काम ज़्यादा करे। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से ये वादा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो बिहार में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अब 2022 में फिर से सरकार बदल गई है। तेजस्वी के वादे के अनुसार अब बिहार के लोग इस बात से खुश हैं कि बिहार में अब रोजगार मिलेगा, लेकिन बिहार के नए डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव का वीडियो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सुबह शेयर किया और अब ये वीडियो ट्विटर पर खूब बवाल मचा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो को शेयर किया था, लिखा था कि तेजस्वी यादव अभी बस उप मुख्यमंत्री है। बता दें कि इस वीडियो में तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने ये कहा था कि जब हम सीएम बनेंगे तब 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बस डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन नौकरी देंगे। उस वीडियो का पूरा हिस्सा अब तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और उसके ऊपर लिखा है कि श्रीमान जी, इतना बेशर्म मत बनिए, एक फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता जैसे आप रखते हैं। आप लोगों को इन चिरकुट हरकत और सड़क छाप बयानों के बदौलत ही भाजपा की ये दुर्दशा है। इन बेचारों के पास बिहार में कोई चेहरा ही नहीं है। वहीं इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी वो केवल उप मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में अपने पिता से मिलने पहुंचे तेजस्वी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमने 2020 में ये वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन अभी भी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सरकार में हैं। हम इस मामले में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, हम इसे भूले नहीं हैं। एक महीने में आप देखेंगे कि बिहार सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हमने इस बारे में चर्चा की है, वो खुद भी इस मामले को लेकर के बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। नौकरी देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, फिलहाल ट्रस्ट वोट होना है, वो हो जाए, सरकार बन जाए, फिर ये काम होगा। और ये काम अगर नीतीश कुमार के हाथों होगा तो इससे फर्क भी पड़ेगा, हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। बता दें कि आज सुबह गिरिराज सिंह ने एक वीडियो शेयर करके ट्विटर पर बवाल मचाया, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने सफाई दिया है। फिलहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिहारी न्यूज़ के साथ बने रहिए।